हम लोग निकलने लगे हैं सीधा। न्यू बेबी, ये है तिल और इसमें है इकरा। रोज सुबह नाश्ते में याद आया करेंगे। मेकअप उतर गया तुम्हारा। अपने आप को बड़ा निगलेक्ट कर देती थी लेकिन इसने मुझे कभी निगलेक्ट नहीं किया। अभी तो मेरी बेगम के लिए एक सरप्राइज है। मुझे छोड़ने आए यहाँ। मैं आपके साथ जाऊंगी ना वेन्यू पे। हाँ तो फिर मैं भी जा रही हूँ। हाँ मैं भी घर के अंदर ही आ रही हूँ। पापा कह रहे हैं कि कुछ लेना है, मेरी बेटी अभी से लेके जा रहे हो। डरा डाला मेरे पापा को। चले अब मैं निकलने लगी हूँ भाई गाइस। यस प्लीज, क्योंकि मेरे से गाइस मैं आपको दिखाऊँ, ये देखे ऐसे लग रहा है मेरी पूरी गाड़ी में ना मेरे लहंगे ने पूरा कब्जा जमाया हुआ है। चलें जी गाइस, जो है वो पापा जो है वो तैयार हो चुके हैं। मैं और पापा अकेले घर पे बचे हुए हैं और अब मैं दिखाती हूँ आपको अब्बू की फुल लुक। ये देखें जरा पापा, अब सारी चीजें ये पापा की है जी, फुल लुक। वाओ पापा तो सबसे प्यारे लग रहे हैं यार। ब्लैक इज ग्रेस। आपका उधर वेट हो रहा है, मम्मा आपको बताती है, आप डांस कर रहे हैं। मम्मा फोन पे फोन करके कह रहे कितने रह गए थे और अब्बू इधर डांस कर रहे हैं। चलें 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 चलें, अब्बू होने लगे हैं, लेट्स गो यहां से। इतना तफरी में भी पापा निकल आए हैं और अब हम लोग निकल लगे हैं सीधा वेन्यू पे। फोन बज बज के पापा के फोन का बुरा हाल हो। ओए होए 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 होए, असल हीरोइन तो अब आई है। क्या हाल है? माशाल्लाह अच्छी लग रही है। मम्मा का तो क्या खूबसूरत ड्रेस लग रहा है और कितनी प्यारी लग रही हैं आप माशाल्लाह। ये है इकरा का दिल और इसमें है इकरा। ओ वाह, अब मैं ब्राइडल रूम में बैठी हुई, मुझे मैं ना जिंदगी में कभी इतना टिक के नहीं बैठी और मुझे इतना अजीब लग रहा है यहाँ छुप के बैठना। मेरा दिल, मेरा बस नहीं चल रहा, मैं जाके बैठ के आराम से लोगों से बातें। हेलो, पर इतना मतलब ऑकवर्ड लग रहा है। अच्छा मैं, मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी डिफरेंट है, लाइक आई एम नॉट वन ऑफ देम के लाइक चुप करके बैठ जाना। मैं बहुत बातें करती हूँ, सबसे करती हूँ, और अब मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा है। मुझे पता सारे रास्ते क्या बात फील होती है। मम्मी नाश्ता। मम्मा रोना नहीं है, मैं बता रही हूँ रोना नहीं है। नो मेकअप खराब, अभी मेहमानों ने आना है, मम्मा बरात आनी है। मम्मा नो, कंट्रोल करा रही हूँ, देखो चुप, इजी हसो। या अल्लाह, मुझे एक शॉपर पे नजर पड़ी, उसमें ना पुराने जमाने का हार निकली। ये जो पुराने जमाने का हार है, इन लोगों ने अरीब को बनाना बताएगा वो। यार ये देखो इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, वाह मेरे बगैर आज तुम लोग से कम प्यारी लग रही हूँ बेटा। बताओ मुझ पे नोज पिन, तुम्हें पता है दुल्हन पे नोज पिन अच्छी लगती है, दुल्हन पे चाहिए लुक चेंज आती है। हां हां, बाल ठीक है, सब ठीक है, अब बस मेरे दुपट्टा शुपट्टा मैं अपनी बहनों से सेट करवा लूं, बाकी बहनों से मिलवाती हूँ। तो बारात कब आएगी? बारात अरीब को कॉल कर। चलें जी गाइस, बाहर ढोल ढमको की आवाज आ गई, मतलब बारात आ गई, बारात आ गई, बारात आ गई। लड़की के लिए बैठी हुई है, ढोल बज रहे हैं, शनाइयाँ बज रही हैं, लड़की बिठाई हुई कमरे में, मैं मिनी मिनी डांस कर रही हूँ, टिंग टिकी टिकी टिंग टिकी टिकी। पता नहीं अभी वहाँ क्या क्या हो रहा होगा, जो भी हो रहा होगा वो आपको दिखाती हूँ। दुल्हनिया की एंट्री हो रही है।
Beijo, beijo, beijo!
बुलाई चाहिए कि पैसे चाहिए कॉन्ग्रेचुलेशन आपकी शादी के लिए, शादी कॉन्ग्रेचुलेशन अरीब को भी, और बड़े मज़े की जो है एंट्री है। बस मैंने रात एंट्री वाली शुरू वाली मिस कर दी थी, लेकिन वो जो उठा के लेकर रहे वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और गुड लक टू बोथ ऑफ यू, अच्छे अच्छे काम करो, अच्छा अच्छा दूसरों को सपोर्ट करो, और बाकी मुझे नहीं आता ज्ञान दे दो। आज के दिन मतलब यहाँ से निकल के आपकी तुम चली जाओगी, और तुमने जितना भी टाइम साथ गुजारा है अभी तक, इट वॉज मेमोरेबल। मुझे अभी तक याद है किस तरह से मुझसे हमेशा तुम कपड़े पहनने पे लड़ती थी, जूता नहीं पहनने देती थी, अपना कपड़े नहीं पहनने देती थी, और मैं होती थी कि यार मुझे भी बड़ी बहन होना है, मुझे भी बड़ी बहन होना है। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी बड़ी बहन ने हमारे लिए जितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है ना, शायद मैं नहीं कर सकती, इसीलिए अल्लाह ने मुझे बड़ी बहन नहीं बनाया। उसने हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा हमारा ख्याल रखा है, हमारी अम्मा की तरह। और एक टाइम ऐसा था कि जब हम सब होती थी, हम लोगों को कोई होश नहीं होती थी, वो मामा के साथ हेल्प करती थी हर चीज़ में, और उसने हमारा बहुत ख्याल रखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो उसके साथ मेमोरीज है, मेरा उसके साथ एक बॉन्ड डिफरेंट है बाकियों के नस्बत, इसलिए क्योंकि मैं थोड़ी हूँ कि मुझे पता है कि यार वो किस वजह से करी है, क्या करी है, क्या नहीं करी। लेकिन लड़ाइयाँ हर जगह होती हैं भाई, लेकिन मेरे से लड़ाई से कम होती है, क्योंकि मुझे से प्यार सबसे ज़्यादा है। मैंने आज तक कभी नहीं कहा, आज कह रही हूँ आपकी आई लव यू सो मच। बहुत ज़्यादा मिस करूँगी डेली जब हम उसे ज्वेलरी का लेना, ज्वेलरी का पूछना, मोस्टली मैं उसे पूछती हूँ मैं कैसी लग रही हूँ, मेरे कपड़े ठीक लग रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सजेशन लेते थे ना, वो बहुत मैं मिस करूँगी। हाँ वो चली तो जाएगी, लेकिन ये होता है कि हम कॉल वॉल पे तो पूछ लेंगे, बट वो एक चीज़ नहीं रहेगी कि डेली रात को आना, सोना, कोई भी मसला होना, रात को बेड पे इकट्ठे बैठ जाना, बातें करनी, पानी की बोतल ला के देना, ये करना वो करना, काम वाम बहुत ज़्यादा मैं मिस करूँगी। और हमारी तो बहुत सारी मेमोरीज है विच आई कांट एक्सप्लेन इन माई वर्ड्स,
तो बस अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि रुकसी के टाइम बस मुझे रोना ना आए, वो तो ऑब्वियसली आएगा। तो मैंने भी आपके लिए छोटा सा सरप्राइज भी बनाया हुआ स्नैपचैट पे। मैं नीचे नीचे स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे इतनी इतनी पुरानी पुरानी मेमोरीज मेरे सामने आ रही थी ना कि वो देख के मुझे रोना आ रहा था, लिटरली मुझे रोना आया। और मैंने अपने आप को चुप करवाया, नहीं फातिमा तुझे रुकसी से पहले ऑन कैमरा नहीं रोना। तो जो भी है जैसे भी है, आई विल मिस यू आपकी अ लॉट। ओके, तो मैं आप ही को बहुत ज्यादा मिस करूँ। मुझे लगता है सबसे ज्यादा मैं ही आप ही को मिस करूंगी, क्योंकि जब भी मुझे घर में कोई डांटता है या कोई मारता तो है, कोई भी नहीं है, लेकिन कोई भी डांटता है तो मुझे जब रोना आता है ना तो उससे मुझे आप ही चुप कराती है, बाकी सारी उनके साथ मिलके मुझे डांटने लग जाती है। तो मैं आप ही को इस बात पर बहुत मिस करूंगी। और बाकी लव यू सो मच आप ही, आपको आपके पास मैं आती रहा करूंगी। और मैं तो ये कही थी अपना जो न्यू घर है ना उसमें मेरे लिए एक रूम बना देना, मैं आपके पास आ करूँगी। गाइस आपकी जाए गए, मैं बहुत ज़्यादा अभी मैं शो नहीं करवा रही, अभी तो खुश हूँ क्योंकि सबको करना है, बट दिल से मेरा एक है आप ही के लिए कि हमारी सबसे बड़ी बहन है वो जा रही है, सो आई एम लाइक वेरी सैड, आई एम श्योरली गोना मिस हर। तो आप ही जहाँ भी रहो खुश। सर मेरी बेस्ट मेमोरी आप ही की, मुझे वो याद नहीं बट मुझे वो बचपन के किस्से याद है जब आप ही मुझे हमेशा अपने स्कूल से आती थी तो मेरे लिए चीज़ लेकर आती थी और अपने क्लासेस मुझे पहनाया करती थी, मेरी बेस्ट मेमोरी है। मेरी आज बेटी की रुखसती है, मेरे पास वो लफ्ज़ है अरे जहान की खुशी, अल्लाह ताला उसको दे, अल्लाह ताला सब बेटियों को खुश रखे, सबके नसीब अच्छे करे और मेरी बेटी के भी नसीब अच्छे करे। वो सुबह नाश्ते में याद आया करेंगी। कौन मांग रहे 2 लाख? अच्छा एक डील, अगर एक डील अगर 50% मेरा तो मैं अरीब को हरवा दूंगा। दस लाख निकलवा के 5 लाख मेरा, 5 लाख आप। मैं जिता दूंगा दादा, फायदा इसी में होगा। चलो ठीक है फिर 1 करोड़ मांगे, 50 आपका, 50 लाख मांगते हैं। अरीब को शो कर दूंगी मैं उसके साथ, 2% आपका, मैं उसको हरा दूंगा, 50 लाख देगा। अच्छा नहीं ये धोखा दे रहे हो, अरीब ने मुझे खरीद लिया पहले से, बेटा हटो, 50,000 दिए अरीब ने, 50,000 जिसमें से दूध नहीं निकलेगा ना, जिसमें से आपने दूध पी लिया अगर आपको मिल गया नहीं, तो हमें चाहिए 50,000। इसके हिसाब से 50 लाख में 5 जीरो होते हैं, अब उसकी वैल्यू उतनी वैल्यू तो आपको पता ही है। अब लेट हो गई है, अब लेट हो गई है, बोल दी है मेरे को कैप्चर हो गई है, 5 जीरो 50 लाख पीने को लग रहा है टेप लगी हुई।
पैसा निकल करने की बात हुई थी उतने से स्टार्ट करते हैं, यानी कि पाँच के बाद पाँच जीरो ऐसा ही बच्चा हो जो अपने पेरेंट्स का अंदर जाकर आता है कि मेरी क्रक साथ मेमोरी बहुत अच्छी थी, उसके साथ मैं हर बात अपने दिल की हर बात शेयर करती थी। तो मेरी पहली बेटी है, मुझे नहीं एक्सपीरियंस के उसके बाद मैं उससे क्या बात करूँगी, शादी के बाद ये बातें होंगी या नहीं होंगी। बनो मेरी चली ससुराल।
बाय बाय यार। हीरा को पता नहीं, हीरा तुम लोग रोते हो ना, मुझे ज्यादा रोना था। मैंने अपने आपको बड़ा मजबूत किया, मेकअप उतर गया तुम्हारा, मेकअप उतर गया। बाय बाय, कोई नहीं सुन रहा, फिर मेरी बहन भी होगी। बाय 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 तो गाइस फाइनली मैं बहुत ज्यादा नहीं रोई क्योंकि मैंने अपने इमोशंस को ना कंट्रोल किया। मुझे पता है मेरी मम्मा का कि वो मुझे देख के ना ज़्यादा रोती हैं। आपने देखा कि इस दफ़ा अभी उनका थोड़ा सा कम था क्योंकि वो अगर मुझे रोता देखेंगी ना तो वो रोने लग जाएंगे, इसीलिए मैं नहीं रोई और मैंने बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया, लेकिन अभी भी मैं कंट्रोल ही कर रही हूँ। तो समझ सकता हूँ, माँ बाप, माँ बाप होते हैं जिंदगी में सबसे बड़ी। और पता है सबसे ज़्यादा बिछड़ना भी आपको जो लग रहा होता है ना अपने माँ बाप से लग रहा होता है। माँ बाप ऐसे चलो क्या हो गया, रिलैक्स करो, कुछ नहीं होता। लाइक मैं सपोर्ट की कहती थी मम्मी नाश्ता, मम्मा अभी मैं तैयार होके आई हूँ, तो मुझे आके कहती हैं कि मुझे वो याद आ रहा तुम्हारा मम्मी नाश्ता। मैं कहा मैं रोज सुबह आ जाया करूँगी रीत तक, मम्मी मुझे छोड़ दे। आप क्यों रो? नहीं रो नहीं रहा यार, माँ बाप आपको अरी को भी अपने अम्मी अबू याद आ रहे। मेरे अम्मी अबू वो भी मेरे अम्मी अबू हैं, ऐसे बस माँ बाप का कोई नेमो बदलना है बस ये है, उनसे बड़ी कोई नियमत नहीं। बट हम उनका वैसे भी ख्याल रखेंगे, हम चाहे दूर चले जाएँ जैसे मर्जी चले जाएँ, लाइफ थोड़ी सी तो रखना ही रखना। लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है लेकिन पेरेंट्स पेरेंट्स ही रहते हैं। कर लो तुम, चार बहनों की बड़ी बहन हो। बड़ी बहन हूँ, मैंने यही कहा है कि मुझे आई एम स्ट्रॉन्ग वन। पुराने रिश्तों को बंदा छोड़ के नहीं जाता बल्कि नए बनाता है जाके। तो अब अरीब की फैमिली मेरी फैमिली होगी, अरीब के बहन भाई मेरे बहन भाई हैं, हम लोग मिलके पहले हम सात लोगों का वो एक फैमिली थी, अब हम अरीब के साथ अब हम उससे ज्यादा हो गए, उनके बच्चे जो भी इस तरह से, तो मिल बांट के जिंदगी को जिएंगे और एंजॉय करेंगे। बस बिल्ली को हमने ऊपर ले आना है। आपको नीचे छोड़ा होगी, बिल्ली को मैंने ले जाना है, ठीक है? अभी तो एक सरप्राइज है। अभी हाँ जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी तो मेरी बेगम के लिए एक सरप्राइज है, हस्बैंड की तरफ से। दो सरप्राइज है हस्बैंड की तरफ से। या अल्लाह मेरा हस्बैंड कितने सरप्राइजेस देता है माशाल्लाह। एक बात बताऊँ ऑनेस्टली, मैं जब सोचती थी ना कि लड़कियों के लिए कितना मुश्किल होता है, यानी कि जब वो छोड़ के जा रही होती हैं। इवेंचुअली मुश्किल होता है लेकिन उस सूरत में ज्यादा मुश्किल होता है जब आप आगे से आपको पता ना हो। मैं हमेशा एक चीज को कहती हूँ कि मुझे ना, मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में आप आए हो और मेरी लाइफ में आपने बहुत 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 चेंज, मेरी लाइफ बहुत बदली है आपके आने से। मैं बहुत पॉजिटिव बदली है, नेगेटिव बदली है, पॉजिटिव बदली है। लाइक आई वाज टू लेजी पर्सन एंड ही इज द वन, इसने मेरे लेजी पन खत्म किया है जो सबसे मेन चीज है। अपनी चीजों को अपने आप को बड़ा निगलेक्ट कर देती थी लेकिन इसने मुझे कभी निगलेक्ट नहीं किया और मुझे बताता कि तुम्हारी ये, तुम अपने आप को ऐसे ना किया करो। सो मुझे जो मेरे से प्यार हुआ ना वो इस बंदे की वजह से। आई लव यू सो मच। चलें गाइस अभी इस व्लॉग को हम यहीं एंड कर रहे हैं, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी मेरी। सील बेल्ट किसने लगाई? अरीब ने। वापस आ गए हमने उसमें। मेरे बाल। बाय बाय, टेक केयर, लाफेस। बालों का तो जेल चल लगा बन गया, मेरे बालों का हाल देखो। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी अगले सरप्राइज में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में। मैं आप लोगों की बेस्ट व्लॉगर एज इट इज व्लॉगिंग करती रहूंगी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग्स लेकर आती रहूंगी। स्टे कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।